गुड मॉर्निंग सेकेंड क्लास स्टूडेंट, आप सभी का टाइनी टॉट्स पब्लिक स्कूल के डिजिटल मंच पर स्वागत है। मैं प्रियंका जैन, आशा है कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे। ठीक है, हमने पिछली क्लास में फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ सिक्स चैप्टर रीड किए थे। फिफ्थ वाला जो कविता थी वो हमने रीड नहीं की थी, वो हम आगे की क्लासेज में करेंगे। आज हम सेवन चैप्टर रीड करेंगे। देखिए कौन सा है सेवन चैप्टर, मैं रेलगाड़ी हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक आत्मकथा बताई जा रही है, मैं रेलगाड़ी हूँ। उसके पर देखो, मैं रेलगाड़ी हूँ, बच्चों तुमने मुझ पर सवार होकर यात्रा अवश्य की होगी। अब रेलगाड़ी के बारे में बताया जाए कि मैं रेलगाड़ी हूँ और बच्चों तुमने मुझ पर सवार होकर यात्रा अवश्य की होगी। क्या तुम मेरे बारे में जानना चाहते हो? हम लोग रेलगाड़ी में जाते हैं ना, ट्रेन में, ट्रेन रेलगाड़ी है नहीं, ट्रेन ट्रेन में यात्रा करते हैं ना, तो हम लोग उसके बारे में जानते भी होंगे थोड़ा बहुत। तो सुनो मेरी कहानी, मेरी ही जुबानी। तो अब रेलगाड़ी क्या बोलती है तुम जानते तो होगे, और मेरी कहानी भी सुनो, अब मेरी ही जुबान से सुनो। मेरा आविष्कार तुम जैसे एक अंग्रेज बालक ने किया था। उस बालक का नाम जॉर्ज था। एक दिन उसने चाय बनाने के लिए आग पर पानी का पतीला रखा। थोड़ी ही देर में पानी उबलने लगा। हाथ के जोर से पतीले का ढक्कन नीचे गिर गया। अब क्या हुआ, अब वो रेलगाड़ी क्या बोल रही है, रेलगाड़ी बोल रही है कि मेरा आविष्कार भी तुम जैसे छोटे बालक ने ही किया था। उसका नाम क्या था, जॉर्ज था। एक दिन वो क्या है, चाय की केतली में चाय बना रहा था। आग पर पानी का पतीला, मतलब चाय बनाने के लिए उसने क्या है आग पर पतीला रखा, और थोड़ी देर में क्या है वो पानी उबलने के कारण जो उसका ढक्कन था, वो भाप के कारण पतीले का जो ढक्कन था वो नीचे गिर गया था। जॉर्ज समझ गया कि भाप में बहुत शक्ति है। उसके दिमाग में एक बात सूझी, अपन भी कभी गैस पर पानी चढ़ाते हैं तो उसके वजह से पानी ज़्यादा होता है तो उससे भाप होती है तो गिर जाता है ढक्कन, तो उसी तरह उसके भी गिर गया था। तो जॉर्ज समझ गया कि भाप में बहुत शक्ति है, और उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने एक डिब्बा लिया, उसमें पानी भरा और डिब्बे का ढक्कन अच्छी तरह बंद कर दिया। अब उसने उस डिब्बे को अंगीठी के साथ जोड़ दिया और अंगीठी में आग लगा दी। पानी उबला और भाप बन गई। डिब्बा बंद होने के कारण भाप बाहर न निकल सके। भाप के जोर से पहले तो वह डिब्बा हिला, उसके बाद अंगीठी में लगे पहिए के सहारे जमीन पर चलने लगा। फिर बस क्या था, मेरा आविष्कार हो गया। जॉर्ज ने भाप की शक्ति को रोककर रेल के इंजन का आविष्कार कर डाला। अब यहाँ पे देखो वो कैसे बता रहा है, उसने क्या है एक डिब्बा लिया, डिब्बा लेकर उसको पानी से भर दिया, फिर उसको अच्छे से जो ढक्कन था लगा दिया, फिर उसने क्या है उसको डब्बे को अंगीठी के साथ जोड़ दिया, जो होती है ना ये देखो अंगीठी के साथ वहाँ पे जोड़ दिया। जोड़ने के बाद उसको क्या है उसको जला दिया अंगीठी को। फिर उसने देखा कि पानी उबल रहा है और भाप बन गई है। डिब्बा बंद होने के कारण जो है भाप बाहर नहीं निकल सके, बंद था डिब्बा तो भाप बाहर नहीं निकल पाई। फिर क्या हुआ, भाप के जोर से तो पहले डिब्बा हिला, जो डिब्बा था वो हिला, फिर उसके बाद अंगीठी में लगे पहियों के सहारे जमीन पर चलने लग गया। बस फिर क्या था, मेरा आविष्कार हो गया, रेलगाड़ी का आविष्कार ऐसे हो गया। जॉर्ज ने भाप की शक्ति को रोककर रेल के इंजन का आविष्कार कर डाला। ठीक है, फिर आगे पढ़ते हैं। जब इंजन चलने लगा तो उसके पीछे लकड़ी के डिब्बे लगा दिए गए। इंजन उन डिब्बों को भी खींचकर आगे ले जाने लगा। जब इंजन चलने लगा तो उसके पीछे क्या लकड़ी के डिब्बे भी लगा दिए, तो उस डिब्बों को इंजन जो है उन डिब्बों को भी अपने आगे साथ खींचकर लेके जाने लगा। नन्हे साथियों, इस प्रकार मेरा जन्म हो गया। यह तो तुम भली प्रकार समझ ही गए होंगे कि तब मैं भाप से चलती थी, मेरे अगले भाग में कोयले जलाए जाते थे। अब तो तुम लोग समझ गए होंगे कि मेरा जन्म कैसे हुआ है, और तब मैं भाप से चलती थी, अब मेरे अगले भाग में क्या है, मेरे अगले भाग में कोयले जलाए जाते थे। लेकिन इधर निकट के कुछ वर्षों से भाप को खुराक बनाना मेरी व्यवस्था नहीं रही, इसलिए अब मेरा स्वरूप बदलता जा रहा। अब मैं डीजल और बिजली से चलती हूँ। बिजली से चलने के कारण मेरी गति भी बहुत बढ़ गई। अब मैं कई बड़े शहरों में राजधानी और शताब्दी एक्सप्रेस के नाम से भी जानी जाती हूँ। अमेरिका में तो मैं रेल की पटरी छोड़कर उठती हूँ। अब मुझ पर सवारी करने वाले यात्रियों को खाने पीने की चीज़ें भी मिलती हैं। अब वो क्या बोल रही हैं कि कुछ वर्षों से क्या है
जो भाप है उसको खुराक बनाना मेरी व्यवस्था नहीं है, भाप के कारण से नहीं, अब मेरा क्या स्वरूप बदल गया, अब मैं किससे चलती हूँ, डीजल और बिजली से चलती हूँ, और इससे उनसे चलने के कारण मेरी गति भी जो रफ्तार है उसकी तेज हो गई है, अब बड़े शहरों में राजधानी शताब्दी एक्सप्रेस के नाम से भी वो जानी जाती है, और अमेरिका में तो क्या है वो रेल की पटरी छोड़कर उड़ जाती हैं। अब मुझ पर जो सवारी करने वाले यात्री हैं उनको खाने पीने की चीज़ें भी मिल जाती है। आप लोग भी ट्रेन में जाते हैं तब देखते हैं ना कि आप ट्रेन कहाँ जहीं रुक जहाँ रुकती है वहाँ पे खाने पीने की दुकानें भी होती हैं, खाने पीने की चीज़ें भी मिल जाती हैं। फिर आगे देखिए, मेरे रूप और आकार में नित्य परिवर्तन आ रहे हैं, अब मेरे डिब्बों में बैठकर यात्रा करना बहुत आरामदायक हो गया है, दिल्ली में मुझे मेट्रो के नाम से जाता है। अब देखो उसके रूप और आकार में भी नित्य परिवर्तन आ रहे हैं, पहले छोटे थे, पहले वैसे डिब्बे थे, फिर थोड़े चेंज हुए, उसके बाद में अब एसी वाले डिब्बे भी आने लगे, अच्छे आरामदायक सीट होती है उसमें, वैसे डिब्बे आने लगे, अब क्या है उसके उन डिब्बों में बैठकर यात्रा करना भी क्या है आरामदायक सुविधाजनक हो गया है, आराम से हम लोग उसमें यात्रा कर सकते हैं। दिल्ली में मुझे मेट्रो के नाम से जाना था, दिल्ली में दिल्ली की मेट्रो सुनिए ना, तो दिल्ली में उसे क्या है मेट्रो के नाम से भी जाना जाता है। मैं माल ढोने के भी काम आती हूँ, इस रूप में मुझे माल गाड़ी कहा जाता है, जब माल ढोने के काम में आते हैं, देखा होगा आपने माल ढोने के लिए भी रेलगाड़ी का यूज़ किया जाता है, तो उसे उस रूप में क्या कहा जाता है मालगाड़ी कहा जाता है। बच्चों यही है मेरी कहानी, रेलगाड़ी क्या कहते हैं ये मेरी कहानी है। आप लोगों को ये चैप्टर वापस से एक बार रीड करना है, कल हम लोग इसकी क्वेश्चन आंसर करेंगे। थैंक यू।